सो गाइज वेलकम बैक योर क्लास एंड दिस साइड योर विजय हेयर। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में। और चैप्टर 8 है ये वर्ल्ड की क्या कहते हैं बुक का, ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि ये चैप्टर बच्चों को लगता है कि शायद से ज्योग्राफी का पार्ट होना चाहिए था, बट ये चैप्टर पॉलिटिकल में क्या कर रहा है, बट वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश भी करूंगा। चैप्टर का नाम इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स, यानी कि पर्यावरण और प्राकृतिक संपदाएं या संसाधन आप बोल सकते हैं। वीडियो का पहला पार्ट है और इतना इंटरेस्टिंग है ना कि आप देखेंगे वीडियो को एंड तक तो आपको समझ में आएगा कि यार मतलब ऐसा पास्ट में हो चुका था और एट प्रेजेंट टाइम हम लोग इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग कंट्री क्या कर रही है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल से नोट लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं जो बच्चे, तो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी सारे नोट्स जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और अगर आप सभी लोगों को फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे हमसे कोई भी डाउट पूछना है तो ज़रूर हमारे साथ वहाँ पे भी जुड़िएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। अब इन दिस चैप्टर पूरे चैप्टर को एनवायरमेंटल इश्यूज के हिसाब से और नेचुरल रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के हिसाब से बताया गया और उससे होने वाली गंभीर समस्याएं जो होती हैं उन सब से रिगार्डिंग में इस चैप्टर को कनेक्ट करने की कोशिश करी गई है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। अब यहाँ पे चैप्टर में ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल एज वेल एज रिसोर्स इशू इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यहाँ पे हमें समझना है कि विश्व राजनीति के अंदर पर्यावरण के साथ साथ जो संसाधन के मुद्दे हैं वो असल में क्या है। मतलब संसाधन सफिशिएंट है, इंसान भी सफिशिएंट है तो संसाधन भी सफिशिएंट है, लेकिन जैसे पॉपुलेशन ग्रो होता जा रहा है, वी आर नाउ 7 बिलियन पीपल। आप एक साल बाद इस वीडियो को देखोगे तो आप वी आर क्रॉस 8 बिलियन पीपल, तो हम बढ़ते रहेंगे लेकिन संसाधन तो नहीं बढ़ेंगे ना। तो संसाधन के ऊपर इशू आ रहा है, हमें उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। अब इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स कौन से चलाए गए थे ताकि इन्वायरमेंटल के जो बैकड्रॉप्स उनको ठीक किया जा सके, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इवन हम देखने की कोशिश करेंगे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, विश्व सांझी संपदा, उसके ऊपर और ग्लोबल कॉमन टू आल्सो, और ऐसी समस्याएं जो पूरा देश लड़ रहा है, मतलब वेस्टर्न के भी, ईस्टर्न के भी, साउथ के भी, नॉर्थ के भी, सभी लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और सभी लोग मिलकर क्या कर रहे हैं। दूसरा इंडिजिनियस पीपल, ऐसे बाशिंदे जो बेचारे स्वदेशी हैं, अपनी ही जमीन के बाशिंदे हैं लेकिन बेचारे उनके ऊपर उनकी आवाज़ और उनकी चिंता कोई सुन नहीं रहा है। इसराइलों के साथ और फलस्तीनों के साथ भी एट प्रेजेंट टाइम पे यही प्रॉब्लम चल रही है। सो ऑल दिस चैप्टर जो इन्वायरमेंट से कनेक्ट है और उनकी लाइफ से कनेक्ट है, रिसोर्स से कनेक्ट है, रिसोर्स से होने वाली प्रॉब्लम से कनेक्ट है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको चैप्टर इतना मजेदार लगेगा, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमारी जमीन के ऊपर हमारा भारत ही नहीं विश्व कई ना कई समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसी ऐसी समस्या है जो इंटरनेशनल लेवल पे आज की देश हर कंट्री फॉलो कर रही है, और एक एनवायरमेंटल इशू है वो, और रिसोर्सेज बेस्ड भी एक इशू है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए स्कैसिटी ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, धरती पे चुल्लू भर पानी डूबना जिसे बोलते हैं ना, वो पानी भी आपको नसीब नहीं होगा क्योंकि खारे पानी के अंदर डूबने का कोई फायदा नहीं। मीठा पानी जो आपको पीने के लिए मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है इसलिए। और कई स्टेट्स तो ऐसे, राजस्थान, अपने तमिलनाडु के, इंडिया के मैं आपको बताऊं तो उसमें तो पानी पीने का ही नहीं बचा हुआ और सरकार कहती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। यहाँ पे ये इशू है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इशू है जिन इशूज को हमें खत्म करना पड़ेगा। तो सुरक्षित पानी पीने वाला जो है ना वही नहीं बच रहा है इन फ्यूचर हमारे पास, और नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे। दूसरा इशू देख सकते हो डिफॉरेस्टेशन, जनसंख्या बढ़े जा रही है, पेड़ कटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन होगा तो आपको पता है ना कितनी बायोडायवर्सिटी खराब होगी। जब भी कहते हैं कि बर्थडे पे अपने केक मर्डर करने से अच्छा है कि एक प्लांट लगा दीजिए, वो बहुत बेटर माना जाता है, तो वो चीज़ ज़रूर करिएगा, है ना। केक मटर तो डीपी पे लगा देते हैं, इंस्टा पे लोग लिख देते हैं, लेकिन सही मायने में वहाँ पे आपको डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो वहाँ पे आपको एक पौधा लगा देना चाहिए कि इन फ्यूचर आप देखेंगे आपकी जनरेशन को आप कुछ दे के जा रहे हैं। तो वो चीज़ है। एक ये भी इशू है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो होगा ही होगा भाई, सिंपल सी बात है। जैव विविधताएँ जो वनों से, प्राकृतिक संपदाओं से, पेड़ पौधों से कनेक्ट हैं, बायोडाइवर्सिटी, वो तो किसी काम की नहीं रहेंगी, वो तो ख़त्म होनी होनी है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, हम जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से आग जला रहे हैं, केमिकल छोड़ रहे हैं, तो ओजोन लेयर के ऊपर छेद हो रहा है। ओजोन लेयर पे छेद हो रहा है तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप घर के बाहर, आपको ऐसा फील होगा कि आपका पैर जलते हुए तवे पे है, है ना। तो शोले मूवी देखिए ना, हेमा मालिनी तो गब्बर के सामने डांस नहीं कर पाती क्योंकि पैर भी जल रहे होते हैं, लेकिन वो तो उस टाइम की बात थी। आज के टाइम में तो ऐसा होगा कि सारे के सारे बसंती की तरह नाचेंगे क्योंकि पैर वो ज़मीन पर रख नहीं सकते, ज़मीन इतनी हीट हो जाएगी क्योंकि ओजोन लेयर पर जिस दिन छेद हो गया ना, तो
उस दिन होगा क्या, सूर्य से किरणें डायरेक्टली धरती पे आएगी और हम सारे लोग जलते हुए तवे पे नाच रहे होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम होगी और ये एक बहुत बड़ा इशू है एट प्रेजेंट टाइम पे। और यही नहीं, अभी रुकिए, अभी और भी इशूज हैं। सारी इशूज इस बुक में भी नहीं दे रखे हैं, लेकिन इशूज के अगर फेरिस्ट निकालने बैठे ना तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। ग्लोबल लेवल पे इतने इशू चल रहे हैं, इतने इशू चल रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे एक और इशू है, कोस्टल पॉपुलेशन यानी कि तटीय रेखा, वो खराब होती जा रही है क्योंकि सारा कचरा आता जा रहा है उस पर। आप कुछ भी खा रहे हैं, सब कुछ तो उसी में मिल रहा है, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी छोड़ रहे हैं, सब कुछ पानी में मिलता जा रहा है। तो कोस्टल लाइन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग, जमीन का बढ़ना, ऑफकोर्स जब पेड़ पौधे कटेंगे, आपका जब बाल कटेगा तो गंजे हो जाएंगे, तो उस पर जब डायरेक्टली धूप पड़ेगी तो कैसा लगेगा। आपके बाल आपको गर्मी से बचाते हैं, तो इसीलिए। दूसरा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऑफकोर्स क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एग्रीकल्चर लैंड की फर्टिलिटी गिरते जा रही है। क्यों गिरते जा रही है? किसान एक ही जमीन से 10-10 फसलें उगाना चाहता है। वो कहते हैं कि एक भी किसान कहता है कि जमीन को 15 दिन के लिए भी खाली नहीं छोड़ना है। तो जब भी आप कंटिन्यू किसी बंदे के काम लेते रहोगे, किसी के इंसान का शरीर जो होता है वो 24 घंटे काम नहीं कर सकता। इसलिए रात सोने के लिए बनाए गए, जो रात में काम करते हैं उसके लिए दिन सोने के लिए बनाए गए। लेकिन सेम ऐसा जमीन भी है, जमीन भी ऐसा रिसोर्स है जो हमें कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ता है, लेकिन इंसान नहीं छोड़ रहा है, वो यूरिया डाल रहा है, खाद डाल रहा है। ये ऐसा इंडिया में नहीं, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में हो रहा है। और ये सारे इशू हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हमारे रिसोर्सेज से रिलेटेड है। सो दैट इज वाई करे तो करे क्या है। तो यहाँ पे आपने समझना होगा हमें करना क्या है। अब देखिएगा, हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। अब देखिए, अब बच्चों को मैंने कहा था ना कि ये पॉलिटिकल इशू क्यों है, तो यहाँ पे इशू ऑफ एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्स अगर आप डीपली देखेंगे तो वो पॉलिटिकल इन द अनदर सेंस, वो पॉलिटिकल बन जाता है, अनदर सेंस में वो पॉलिटिकल बन जाता है। क्योंकि ज्योग्राफी जो होता है वो तो सिर्फ आपको स्टडी करके दे देता है, लेकिन उनका डिसीजन कौन लेगा? जब डिसीजन की बात आती है तो वो पूरी तरीके से आपका क्या कहते हैं क्या आ जाता है, वो फिर पॉलिटिकल आ जाता है। तो यहाँ पे आपने इंडिया वाली बुक के अंदर पढ़ा होगा, मैंने पहले भी बताया था, जिपको मूवमेंट हुआ था, ये भी पर्यावरण से रिलेटेड है। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण से रिलेटेड था। उसके बाद क्या कहते हैं, ताड़ी बिक्री आंदोलन, वैसे तो ये सोशल इशू बेस्ड था। उसके बाद किसानों को आंदोलन, बेचारों को फसलें नहीं मिल रही थी, लेकिन ऐसे आंदोलन, कुछ आंदोलन हमारे एनवायरमेंटल बेस्ड भी हुए थे। तो यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट जो डिग्रेशन हो रहा है, एनवायरनमेंट का पूरा खात्मा होता जा रहा है, तो उसका उसका कॉज क्या होगा, कॉज इन फ्यूचर दिक्कत क्या होगी, आपको मुझे सबको होने वाली है। हु पेज द प्राइस, मतलब अब यहाँ पे जो इसको कॉज पहुंचा रहा है, प्राइस कौन देगा, पैसे कौन देगा, या कौन जिम्मेदार है इसका? भाई जिम्मेदारी कोई उठाने के लिए नहीं है, या कौन रिस्पॉन्सिबल है ऐसे सिचुएशन को ठीक करने के लिए? क्योंकि ग्लोबली इशू तो हर कंट्री कहेगी मैं तो इतना धुआं छोड़ता हूँ, हमारा देश इतना डेवलप हुआ नहीं है, तुम्हारा देश इतना डेवलप है, तुम इतना नुकसान बचाते हो। ऐसा होता ना, पड़ोसी, आप अपने पड़ोस में देख लीजिए, आपकी आपके पड़ोस से नहीं बनती होगी। पड़ोस घर का कूड़ा उठा के आपके घर के बाहर रख देता होगा, या जो भी इस्लाम एरिया में रहते होंगे वहाँ पर ये प्रॉब्लम रहती होगी कि यार वो उससे खुश नहीं, वो उससे खुश नहीं, वो कहता कि नहीं तेरी वजह से हो रहा, वो कहता नहीं तेरी वजह से हो रहा। तो यहाँ पे सही डिसीजन लेने वाला कौन है? क्योंकि देखो, धरती जो है ना उस पर सभी को रहना है, और यहाँ पे सभी को मिलकर एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेना पड़ेगा तो सही एक्शन लेने वाला बंदा कौन है, किसी को नहीं पता है, ये एक प्रॉब्लम है। और उसके बाद हु गेट द यूज, मतलब जो भी रिसोर्स है, किस कंट्री को, किस कॉन्टिनेंट को कितना मिलना चाहिए, कितना वो यूज कर सकता है, कितना उसे यूज नहीं करना चाहिए इस अर्थ के रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को, किसी के बाप का तो नहीं है ना ये। तो यहाँ पे कहने वाली बात सेम यही है, किसी के बाप का नहीं है तो कोई अपने बाप का माल समझ के इसको कैसे भी इस्तेमाल तो नहीं करेगा ना। नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक है। अगर आपने क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ी हो, तो पहले उन्होंने तो ये बताया ना कि धरती पे इंसान जब आया था तो नेचुरल रिसोर्स पे सभी उसका इक्वल कंट्रोल हुआ करता था। वो तो बाद में जाके ये जो राजा पीएम सीएम सब आए तो फिर रिसोर्सेज के ऊपर, नेचुरल रिसोर्स हट के इंसान ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर फोकस करना चालू कर दिया। लेकिन नेचुरल रिसोर्स तो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, तो कितना कौन इस्तेमाल करेगा, कौन उसको कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये सब हमें समझना होगा। तो आपकी बुक के अंदर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करा हुआ है। ये बताया हुआ है कि राजनीतिक मुद्दों में पर्यावरण मुद्दों की क्या प्रासंगिकता आती है। अगर आप देखें तो कोई भी गवर्नमेंट ना अकेले इसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं कर सकती है प्रॉब्लम के ऊपर, इसीलिए ये एक एनवायरमेंटल इशू ना होकर एक पॉलिटिकल इशू हो जाता है। क्योंकि एनवायरमेंटल की एक बीमारी जो है ना, वो बीमारी किसी अकेले से नहीं होगी, सारी पर्सनालिटी को मिलकर काम करना पड़ेगा, सारे कंट्रियों को मिलकर काम करना पड़ेगा। दैट इज अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना जरूरी है। हमें देखना पड़ेगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग कि एनवायरमेंटल डिग्रेशन अगर कोई कर रहा है तो उसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं, उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन इसमें पॉलिटिकली इंटरफेरेंस कर सकता है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम सभी कंट्री जिम्मेदार हैं और हमें सभी को मिलकर एक स्टेप लेना चाहिए। इसलिए बहुत साल पहले कार्यक्रम चलाया गया था,
1972 के अंदर एक लिमिट टू ग्रोथ करके क्लब ऑफ रोम के द्वारा, जैसे ग्लोबल थिंक टैंक कहा जाता है, इन लोगों ने लिमिट टू ग्रोथ नाम की एक बुक पब्लिश करी थी। ये कब की बात है? ये बात है 1792 की। अब लिमिट टू ग्रोथ तो थीम था, ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा सबसे पहले पब्लिश करा गया था। इसने यही पब्लिश करने की कोशिश करी थी कि जो क्या कहते हैं ग्रोथ है या एनवायरमेंटल नेचुरल रिसोर्स का इशू चल रहा है, वो इन्होंने इसमें अपनी बुक के अंदर एजेंडा देने की कोशिश करी थी। इन्होंने यही बताया था कि बढ़ती दुनिया की आबादी के खिलाफ पृथ्वी के संसाधनों को संभावित कमी पर खर्चा करते हैं। कहने का मतलब यही है कि उन्होंने लिमिट टू ग्रोथ का ही बताया कि जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पूरी तरीके से संसाधनों को कम इस्तेमाल करना चाहिए जब ये लिमिट टू ग्रोथ होगा। और इसका जो आप देख सकते हो ये एनजीओ है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है, तो याद रखिएगा कहीं आप इसे बोल दें कि इसका हेडक्वार्टर क्या कहते हैं वहां पे। अब मैं आपको एक कुछ चीज बताना चाहता हूं, जब ये 72 के अंदर हुआ तो यूएनओ का एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम क्या बोलते हैं यूएनईपी, इसे फुल फॉर्म बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम हिंदी में बोलते हैं सर। अब यहाँ पे इन लोगों ने भी क्या करा, इन लोगों ने भी एक मीटिंग करी, इन लोगों ने भी कहा कि एनवायरमेंटल इशू के लिए हम लोगों सभी लोगों को कहीं ना कहीं मिलकर स्टेप लेना पड़ेगा। और इसीलिए इन लोगों ने एक तो 1987 के अंदर मीटिंग करी थी और एक रियो डी जनेरियो के अंदर 1992 के अंदर मीटिंग करी थी। ये दोनों ही मीटिंग इंटरनेशनल लेवल पे एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए या एनवायरमेंट से रिलेटेड होने वाले प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया जाना चाहिए उसके लिए इन्होंने स्टेप लिया। सबसे पहले तो यहाँ पे जो 1987 के अंदर रिपोर्ट आई थी उसमें आवर कॉमन फ्यूचर पर बात करी गई थी, तो उन्होंने सिंपल सा बोला था कि इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल तरीके से अगर हो रहा है ट्रेडिशनल पैटर्न के हिसाब से तो ठीक नहीं है, लॉन्ग टर्म चल ही नहीं पाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की सोच रहे हैं तो उन्होंने बोला कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये इतना कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन पहला इनिशिएट इन लोगों ने दिया था वो यूएनईपी के तहत, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। लेकिन उसके बाद 1992 के अंदर अर्थ समिट होता है। अब भाई ये अर्थ समिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने आपके लिए एक अलग से वीडियो दे रखी है, आप अभी देखिएगा इसी के अंदर ही, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने रियो डी जनेरियो के अंदर 1992 जून के अंदर मीटिंग करी, इस मीटिंग का टाइम पीरियड आप देख सकते हो 3 जून 1992। भाई जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना उन बच्चों के लिए याद रखना होगा, पहला ऐसा ग्लोबल इशू को लेके, क्योंकि ग्लोबली तो बहुत पूछता है, ग्लोबली यूपीएससी बहुत पूछता है, तो ग्लोबल इशू के बिहाव पे यूपीएससी पूछ लेता है, तो अर्थ समिट आपको याद रखना पड़ेगा या रियो डी जनेरियो समिट याद रखना पड़ेगा। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, 170 देशों के अंदर इसमें पार्टिसिपेंट हुआ था। इंडिया का पार्टिसिपेंट हुआ था या नहीं हुआ था मुझे कमेंट करके बताइएगा, इंडिया का पार्टिसिपेंट हुआ था या नहीं हुआ था मुझे कमेंट करके बताइएगा, ओके। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जब ये मीटिंग हुई 1992 के अंदर तो किस तरीके से एक लड़की थी जो बहुत फेमस हुई थी जिसका नाम था सेवन सुजुकी। So this is your video. आप इसे देखिएगा। Hello, I'm Seven Suzuki speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13 year olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now, because of the holes in our ozone. I'm afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago we found the fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going extinct every day, vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies, but now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child, and I don't have all the solutions, but I want you to realize neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forests
that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Here, you may be delegates of your government, business people, organizers, reporters, or politicians, but really, your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong, in fact, 30 million species strong, and borders and governments will never change that. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. In my country, we make so much waste. We buy and throw away, buy and throw away, buy and throw away, and yet northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go of some of our wealth. सो ये वीडियो जो है मैंने आपको दिखाई है शॉर्ट में, वैसे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लेकिन आप इस वीडियो से भी देख सकते हैं कि 1992 में हुए रियो डी जनेरियो जो सबमिट हुआ था ना, उसमें इस लड़की ने एक रियल फैक्ट बताने की कोशिश करी किस तरीके से जानवर जो है फ्यूचर आपके पास बचेंगे नहीं, आप फिशिंग के लिए जा रहे हैं तो किसी फैमिली के साथ तो पानी पूरा गंदा हो जाएगा, तो इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे इशू आने वाले हैं। तो एट प्रेजेंट टाइम अगर मैं इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करती है जो अर्थ समिट 1992 में रियो डी जनेरियो में हुआ था। लेकिन हाल फिलहाल अगर हम गरीब और अमीर कंट्रियों के बारे में पहचानने की कोशिश करें तो दोनों के लिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होना या एनवायरमेंट का खराब होना दोनों के लिए एक अलग परसेप्शन सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो ग्लोबल इशू ग्लोबली जो अमीर कंट्री है ना उनके लिए सबसे बड़ा इशू जो है ना वो है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, धरती के पूरी तरीके से गर्म होने से रिलेटेड है, क्योंकि धरती इतनी तेजी से गर्म हो रही है कि इंसान पेड़ पौधों को काटे जा रहा है और धरती बहुत ज्यादा हीट होती जा रही है। लेकिन अगर हम वही अपोजिट बेस पे जो साउथ पोल के अंदर साउथ के इलाकों में रहने वाली कंट्रियां हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, क्योंकि जो विकासशील कंट्रियां हैं अभी तो उन्हें विकसित होना है, लेकिन जो विकसित उन्होंने तो पूरी तरीके से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया, उनको अपना मैनेजमेंट पता है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है उनको नहीं पता। सोचिए 1992 के समिट में इस लड़की ने इतना कुछ बोल दिया तो सोचिए अपने समय से कितना आगे होगी और अभी हमारी कंट्री को कितना कुछ सीखने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है, मुझे सीखने की जरूरत है। लेकिन एनवायरमेंट का खराब होना हमारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए दोनों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। सो दैट इज व्हाई इसीलिए हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि एनवायरमेंट खराब अगर हो रहा है तो हमें कहीं ना कहीं रियो डी जनेरियो के अंदर जो सबमिट हुआ था वो पूरी तरीके से बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, वनों का खत्म होना, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करा गया था। इसलिए हमने एजेंडा 21 के ऊपर फोकस करा, हमने कहा 2021 तक आते आते हम एजेंडा 21 रखेंगे। आई होप ये एजेंडा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा अभी, क्योंकि एजेंडा 21 तो आने वाला है, 21 ही चल रहा है ये, वो 1992 के अंदर हुआ था। इसमें सिलेक्टेड कंट्रियों के बारे में बता दिया गया था, जब आप करेंगे तैयारी आगे जाके तो आपको पता चलेगा कि किस कंट्री को बोला गया था कि इतना ही ज़्यादा वो धुआं छोड़ सकती है, किस कंट्री को नहीं बोला गया था, कौन सी कंट्री को क्या क्या मैनेजमेंट बताए गए थे, वो सब आपको मिलेगा जब आप एक्स्ट्रा से पढ़ेंगे, कुछ अलग पढ़ेंगे। लेकिन कह रहा हूँ ना, यूपीएससी की तैयारी आपको क्लास 12 से ही करनी होती है, यहीं से करनी होती है, बस आपको आइडिया ले लेना होता है अपनी बुक से कि भाई यहाँ से इतना आ रहा है, यहाँ से ये चीज़ें। इसीलिए एक लिस्ट तैयार करेगी डेवलपमेंट प्रैक्टिस के लिए रियो डी जनेरियो समिट के अंदर, और यहाँ पे हमने एजेंडा 21 के अकॉर्डिंग टिकाऊ विकास के ऊपर फोकस करा, जैसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब देखिए, गरीब कंट्री जो है उसको भी नहीं छोड़ सकते और अमीर कंट्री उनके एजेंडे को भी नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम लोगों ने क्या कहा, हम लोग कंबाइंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। मतलब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते रहेंगे और साथ में इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखेंगे। इसलिए आपको पता होगा हमारी कंट्री के अंदर हम लोगों ने फिर फाइनली क्या लेके आए, हम लोग अपनी कंट्री के अंदर सीएनजी लेके आए, एलपीजी लेके आए, है ना, ये इसीलिए लेके आए थे ताकि प्रदूषण कम हो। प्रदूषण कम होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और ये सिर्फ वीडियो का आपका इंट्रो पार्ट था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू के साथ हम चैप्टर को समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कौन सा पार्ट बेस्ट लगा कमेंट करिएगा, आप इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे नहीं जुड़े तो वहां जरूर जुड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे।